इस आंदोलन ने हरियाणा और पंजाब को दोबारा एक कर दिया है। यह आंदोलन, ये जो काले बिल है ये तो जाएंगे ही, ये जाने के बाद सबसे बड़ी जो चीज होगी, जो जीत होगी, वो ये होगी कि हरियाणा पंजाब दोबारा एक हो गया है। मोदी मीडिया कह रही थी खत्म हो गया है, किसान का जोश कभी खत्म नहीं हो सकता, सर्दी गर्मी, जवान और किसान जो है उसका जोश कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर उनका खत्म हो गया अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा देश का। बिल वापसी होगी या फिर सरकार की घर वापसी होगी संसद से, उसके बाद ही 2024 में पता चल जाएगा सबको कि क्या होने वाला है। किसान मतलब मन बना चुका है इस सरकार को उखाड़ फेंकने का। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇਰੀ ਤੋਪ ਖੜੇ ਹਮ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਅਜੇ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਅਜੇ ਹੁੱਡੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਜੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਚ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਥੀ ਜੋ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤੋ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਥਾ। तो आज अच्छी बात है कि हरियाणा और पंजाब साथ मिलकर इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। वैसे तो ये पूरे देश का आंदोलन है, फिर भी यहाँ पर तकरीबन हरियाणा और पंजाब है। और मैं पूरे देश से गुजारिश करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये पूरे देश का, एक किसान का नहीं, हरियाणा पंजाब का आंदोलन नहीं है, पूरे देश का है। जो इंकलाब लहर अब शुरू हो रही है, ये दोबारा से वो जोश जो मोदी मीडिया कह रही थी खत्म हो गया है, किसान का जोश कभी खत्म नहीं हो सकता, सर्दी गर्मी, जवान और किसान जो है उसका जोश कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर उनका खत्म हो गया अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा देश का। तो ये भ्रम है सरकार का और ये मीडिया भ्रम फैला रही है कि ये आंदोलन खत्म हो गया है, ये खत्म होने वाला नहीं है। बिल वापसी होगी या फिर सरकार की घर वापसी होगी संसद से, उसके बाद ही 2024 में पता चल जाएगा सबको कि क्या होने वाला है। किसान मतलब मन बना चुका है इस सरकार को उखाड़ फेंकने का। जी, जिस हिसाब के से आपका सॉन्ग है कि मोदी जी तारे तोप खड़े हम दिल्ली आ गए, तो आपके मन में कैसे ये विचार है कि हमें ये गाना चूज करना चाहिए? देखिए, जब पहले दिन हम यहाँ पे टिकरी बॉर्डर पहुँचे थे तो सभी जो लड़के थे तकरीबन युवा, तो अपने घर पे या यार दोस्तों में वीडियो बना रहे थे कि हम दिल्ली पे आ गए भाई, हम टिकरी बॉर्डर पहुंच गए, हम टिकरी बॉर्डर पहुंच गए। उनके अंदर जो जोश था, तो वही लाइन मुझे मतलब अच्छी लगी कि दिल्ली आ गए, दिल्ली आ गए। तो रात को ही मैं स्टूडियो गया और अगले दिन मैंने सॉन्ग रिलीज कर दिया था, ये रात को ही रिकॉर्ड किया जाके। आपका खुद का लिखा हुआ? जी जी, मैं खुद ही लिखता हूँ। जिस हिसाब से आपके बोल है, ऐसे बोल है कि सरकार को भी टच करते हैं, तो क्या आपको तंग परेशान तो नहीं किया बाद में कोई पुलिस सरकार ने, जिस हिसाब के आपसे? देखिए, तंग परेशान आंदोलन है, तंग परेशान होना वाजिब है, कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने करना वो सरकार में है, करेंगे वो। देख सकते हो पर्चा कटे कैसी जेल भी भुगत जी, ऐसी कोई बात नहीं है, जेल होती है आंदोलन में। जब भगत सिंह जैसे योद्धा शहीद देश के लिए शहीद हो सकते हैं, तो हमारा जेल में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं इसको इशू नहीं बनाऊंगा, कोई इशू बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भी जेलों में गए हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि सीधा कहना जरूरी था, कोई तो हो जो सीधा बोले तो सीधा कहना जरूरी। और हरियाणा की देख बात का आगरा, हम घुमा फिर आगरा का आगरा, हम सीधी कह दी आगरा, तो सीधी कही थी बस। जिस हिसाब दे नाल हरियाणा ते पंजाब दा भाईचारा कायम होया, एक संस्कृति आपां कह सकदे आ कि हरियाणे दी अलग है पंजाब दी, अज एक स्टेज ते ओह चीज देखण नूं मिली है, किवें देखदे हो? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो ये चाहता हूँ, ये आंदोलन होना जरूरी था। इस आंदोलन ने हरियाणा और पंजाब को दोबारा एक कर दिया है। ये आंदोलन, ये जो काले बिल है ये तो जाएंगे ही, ये जाने के बाद सबसे बड़ी जो चीज होगी, जो जीत होगी, वो ये होगी कि हरियाणा पंजाब दोबारा एक हो गया है। हुण तक किन्ने को गाने जड़े तुहाडे मार्केट दे विच आ चुके? मेरे 40 से 50 सॉन्ग्स। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੇਖਿਏ, ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਸੌਂਗ ਹੈ, 500 ਮਿਲੀਅਨ ਕੇ 4-5 ਸੌਂਗ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਤੋ ਆਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਮਰ ਤੇਰੀ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਹੱਲ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੋਟੋ, ਬੜੇ ਸੌਂਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਤ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕੀ ਹੀ ਕਰੇਂਗੇ ਹਮ। ਤੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋ ਤੇਰੀ ਤੋਪ ਖੜੇ ਹਮ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ, ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਅਬ 20 ਤਾਰੀਖ ਕੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਯਾ ਸੌਂਗ ਆ ਰਹਾ ਹੈ,
अभी जिंदाबाद जवानी जिंदाबाद किसानी आया था, एक और सॉन्ग लेके आ रहा हूँ और दोबारा से मैं किसानी पे ही अभी दोबारा मैं चाहता हूँ कि हरियाणा पंजाब दोबारा से है इंकलाब लहर को, जैसे भगत सिंह ने आज़ादी तक पहुंचाया था, अब हरियाणा पंजाब मिलके इस लहर को, इंकलाब लहर को, काले कानूनों को तोड़ने का काम करेंगे। जी, जाते जाते कोई संदेश देना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि इस आंदोलन को कमज़ोर ना पड़ने दें, जो कमज़ोर कर रहे हैं उन्हें इस आंदोलन से दूर रखें और इस आंदोलन में राजनीति ना होने दें प्लीज़। दो लेना जेड़ा नवा तोड़ा सॉन्ग रिलीज होने वाला उदे जी अभी लिखानी है, सच बताऊं मैं आपको, मैं कल या परसों लिखने वाला हूं। मोदी जी वाला गाना, मोदी जी थरी तोब कड़े हम दिल्ली आगे। धन्यवाद, सत श्री अकाल। सुदेश को ऐसी अजय हुड्डा जी।